दोस्तों एक होता है सस्ता नशा, फिर आता है बवाल चरस, उसके बाद आता है जहर चरस, और उसके बाद कहीं जाके आता है भोंकाली चरस जो धुआं उठा देता है। और इस आदमी के ऊपर तो इसका प्रभाव हम कई बार देख चुके हैं। आज कुछ ऐसा प्रभाव हमने देखा है जो सबसे भयंकर है, और महाकाल का प्रकोप लेकर ये वाला बवाल आया है, और इस बवाल ने कई लोगों की जान अब तक ले ली है। तो आप इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखिएगा, ये भयंकर बवाल मचाने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक बेचारी बच्ची ने, भोली भाली सी छोटी सी बच्ची ने राहुल गांधी से एक सवाल करने की जहमत उठा ली, और उस सवाल में उन्होंने जो पूछा वो एक बहुत मासूम सा सवाल था कि मेरे क्षेत्र में बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, वो बैडमिंटन कोर्ट कब बनेगा। तो उसका जो भोकाली जवाब इस भोकाली चरस खाने वाले ने दे दिया, वो भोकाली जवाब आप इस वीडियो में देखिए, और उसके बाद इसका आगे आंकलन करते हैं। सर मेरे को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में सर, आई वुड लाइक टू गो, आई एम वेरी गुड इन बैडमिंटन, सो आई लाइक टू गो इन दैट फील्ड। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सुना है अनिल? रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे एजीएल की फैक्ट्री है कि ना? आप लोग जानते हैं एजीएल की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एजीएल को मिलना था। यहाँ पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहाँ इंजिन बनना था, मगर प्रधानमंत्री जी ने एजीएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र, नमस्कार, अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए, मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएल यहां पे इंजन बना रही है, 70 साल से एचएल में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे ओडिशा में रोजगार छीना, प्रधानमंत्री ने आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका पैसा आपसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग तो अब तक टपक लिए होंगे, बाकी जितने लोग बचे हैं उन लोगों के गुर्दे फेफड़े की सलामती की कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आपको कुछ इसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जिस जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी ने यह पूरा कमाल किया है उस जगह का नाम है जयपोरे। ये एक जगह है जो कि आती है उड़ीसा में, और उड़ीसा की कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। अब कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, इसका इतिहास हम आपको बता देते हैं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी 1957 में, यानी कि 1947 से 1957 तक 10 साल तक यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता था। अब 1957 से जब यहां का एमपी चुना जाने लगा, 1957 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी का ही एमपी यहां से लगातार चुनकर आया, यानी कि अगर हम देखें तो 1947 से 2009 तक लगातार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी का ही जो मेंबर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है। अब 62 सालों के राज में अगर यहां पर बैडमिंटन कोर्ट नहीं बना, उसके बाद भी ये बवाली आदमी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन कोर्ट का पैसा दे दिया है अंबानी को, इस वजह से बैडमिंटन कोर्ट नहीं बना। और उसके बाद भी अगर 2009 से 2019 तक की बात करें तो बीजेडी की सरकार बनी है, तो बीजेडी का ही एमपी यहां से चुनकर आया है, उड़ीसा में भी जो सरकार थी वो बीजेडी की थी।
तो अब ये बताइए यहां पर नरेंद्र मोदी और अंबानी कहां से बीच में आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आपको ये पूछते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी या फिर सेंटर ने ऐसा कब किया जो एक पैसा अलॉट किया जाता है एक स्टेट को, तो ऐसा कब हुआ कि एक स्टेट को जो पैसा अलॉट हुआ है उसमें कमी आ गई है। तो उड़ीसा को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा हर बार मिला है, फिर भी ये बैडमिंटन कोर्ट क्यों नहीं बना, तो क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी और अंबानी जिम्मेदार हैं? कल इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पड़ोस में रहते हैं एक अंकल, उनके घर में है एक छोटा बच्चा। अब वो छोटा बच्चा जिद करने लगा कि मुझे टॉफी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि तेरी चॉकलेट के पैसे मोदी ने अंबानी को दे दिए। कुछ ऐसा ही हाल है राहुल गांधी का, जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बैडमिंटन कोर्ट के पैसे दे दिए हैं अंबानी को मोदी ने। दोस्तों आपने देखा होगा होली पर कुछ लोग भांग खाकर एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनसे कुछ भी पूछ लो उनको उनके जवाब में केवल वही चीज दिखाई देती है जो चीज वो सोच रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। वैसे ही है हमारे राहुल गांधी। इस भोकाली चरस के अंतर्गत कुछ ऐसी ही बातें सोच रहे हैं, जो उनको दिखाई देता है वही उनको दिखाई देता है और उसको वो रिपीट करते रहते हैं, चाहे उनसे सवाल आप कुछ भी कर लो। इनका जो असर है वो आप देखेंगे तो भांग का असर कुछ घंटों में समाप्त हो जाता है, लेकिन इस भोकाली चरस का असर इतना जबरदस्त है कि महीनों तक एक आदमी पर चढ़ा रहता है। अब दोस्तों राहुल गांधी से सीधा रुख करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी कुछ दिन पहले स्टेज से खड़े होकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कुत्ता बोल दिया था। योगी को भेजा, अभी सिर मुंडवाया ही था कि ओले भी पड़ गए। समझता क्या है अपने आप को? बोलो योगी साहब, अपने घर में जाके देखो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम चीफ मिनिस्टर हो, 1.5 लाख से ठुके हो तुम, ठुके हारे हो तुम। क्या बात करते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चौकीदार चोर है और चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिला हुआ है। अब कुत्ता बोलने के बाद समय का प्रभाव देखिए, समय कितना इफेक्टिव है और जो आपके कर्म है वो आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो समय ने एक ऐसी लात मारी, आज नवजोत सिंह सिद्धू की खुद की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना वो घर के रह रहे हैं ना वो घाट के। पुलवामा हमले के बाद भाई ने जोश जोश में पाकिस्तान की तारीफ कर दी। इमरान खान जैसे ही प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू में पाकिस्तान प्रेम कुछ ऐसे उमड़ा जैसे शूर्पण खा के मन में उमड़ा था राम जी के लिए। अब सिद्धू भाई साहब लग जाते हैं पाकिस्तान की तारीफ करने में, कभी वो इमरान खान की तारीफ करते हैं तो कभी वो पुलवामा अटैक के बाद भी दोष देने से इनकार कर देते हैं पाकिस्तान को। Well, let's get you more breaking inputs on our top story. Even as Pakistan continues to bleed India, all we've got from Navjot Singh Sidhu is that he's once again repeating for a dialogue. Sidhu will not blame his friend Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. Sidhu will also not ask any tough questions from Imran Khan, but Sidhu will only once again advocate dialogue with Pakistan, the state which is of course nothing less than an enemy, continues to sponsor terror and bleed India through several cuts. ऐसे लोगों का कभी कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई जात नहीं होती। लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, और सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष ही होता है, कोई शक नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन जहां जहां जंगें चलती रहती हैं, जहां जहां ऐसा सब कुछ होता रहता है, वहां डायलॉग भी साथ साथ चलता है और एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढा जाना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद कपिल के शो से उनको लात मारकर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में इतनी अकड़ रहती है, इनको लगता है कि सरदार खुश होगा, मैंने पाकिस्तान की तारीफ की है, सरदार खुश होगा और मुझे शाबाशी देगा। लेकिन राहुल गांधी भी खुश नहीं होते। राहुल गांधी पंजाब के मोगा जिले में अपनी रैली करते हैं और रैली के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया नहीं जाता, उनको भाषण देने के लिए, एक अक्षर बोलने के लिए भी बुलाया नहीं जाता। उसके बाद जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि भाई सिद्धू जी क्या हुआ, क्यों नहीं बुलाया गया आपको, तो सिद्धू कहते हैं राहुल गांधी ने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी, मेरी औकात बता दी। तो ये सिद्धू के खुद के बयान हैं। तो अब
आप खुद समझ सकते हैं कि सिद्धू जी का क्या हाल हुआ होगा। किसी को कुत्ता बोलने के बाद अब आपकी खुद की क्या हालत है वो भी आप देख सकते होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं। ये मदद हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। और साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।